हापुड़ से सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को समाजवादी पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। बड़े बेआबरू होकर निकले तेजपाल प्रमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। हापुड़ में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में जेल गए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संस्तुति पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कार्रवाई की है। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ ने ये जानकारी दी। सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ ने बताया कि गलत कार्य करने वालों को पार्टी में कोई जगह नहीं है। देवी देवताओं का अपमान करना, विभिन्न समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी करना गलत है। जी हां, देवेंद्र जाखड़ ने कहा कि पूर्व जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जिसके चलते पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तेजपाल प्रमुख को पार्टी हाईकमान की स्वीकृति से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति से 6 साल के लिए निष्कासन किया गया है प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। वजह यह है कि उनकी जो भाषा शैली है उसमें देवी देवताओं को, देश के मुखिया को कोई सम्मानित व्यक्ति के लिए गाली गलौज करेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। तो पार्टी ने ये फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाए, और कोई भी हो, जिलाध्यक्ष नहीं, कोई भी किसी भी पद पर हो उसको बाहर किया जाएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के 2 ऑडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो देवी देवताओं पर टिप्पणी करने के साथ ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक के लिए भी उन्होंने अपशब्द कहे थे। उसी के आधार पर गांव शाहपुर फगोता के ग्राम प्रधान अतुल सिसोदिया ने उनके खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। हालांकि पहले जब तेजपाल प्रमुख की गिरफ्तारी हुई तब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेजपाल प्रमुख की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस कप्तान को भी ज्ञापन दिया था, और इतना ही नहीं धरना भी दिया था और कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का बीजेपी के नेता फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रहे हैं। मामला ये है कि जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख जी, उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लगाया गया है और उनको पूरा प्रताड़ित किया गया है। बहुत ही ये घटना जो हुई है कल, ये निंदनीय है। हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि ये फर्जी मुकदमा ये ख़त्म किया जाए और इन्हें जेल न भेजा जाए। कई लोगों ने मिलकर के ये साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम धरना प्रदर्शन करेंगे आंदोलन करेंगे। और ये सोची समझी साजिश समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ की जा रही है, और समाजवादी पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर ये इसी प्रकार से सरकार, निकम्मी सरकार, इन पार्टी के लोगों का और जनता का उत्पीड़न करती रही तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और तेजपाल प्रमुख को जेल भेजने का काम ये लोग कर रहे हैं तो समाजवादी के पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे, संघर्ष करने का काम। वैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये समझने में करीब 15 दिन लग गए कि ऑडियो जो है वो तेजपाल प्रमुख के ही थे। तेजपाल प्रमुख ने ही देवी देवताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक को भी अपशब्द कहे थे। खैर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। समाजवादी पार्टी के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि तेजपाल प्रमुख ने ही देवी देवताओं, विधायक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।